नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत शिवपुरी ग्राम प्रधान अतुल सिंह ने शिवपुरी गांव किनारे लोधोरा मार्ग से उत्तर दिशा की ओर गाटा संख्या 384 तक लगभग 150 मीटर सरकारी नाला निर्माण में कुछ दबंगों के द्वारा अवरोध उत्पन्न किए जाने और नाली का निर्माण न हो पाने की शिकायत IGRS के माध्यम से की है। शिकायती पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि करीब 150 मीटर का सरकारी नाला, जिसे मनरेगा सहित अन्य मदों से कराया जाना है, सिर्फ 80 मीटर का ही रह गया है। गांव के दबंग लोगों ने नाले की भूमि पर एक तरफ अवैध कब्जा कर रखा है और अब नाला निर्माण में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। इस वजह से आने वाले समय में बरसात के पानी को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गांव के राकेश कश्यप व विमलेश कुमार राधेकृष्ण पुत्र भीखम, रामोतार कश्यप पुत्र जगनू और दिनेश लाल आदि ने निर्माण की बात सुनकर अचानक ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे सिर में चोट आई है, जिसके बाबत पुलिस चौकी कोठामा पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया, पर 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने तहसील प्रशासन एवं विकास विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार ब्लॉक एवं तहसील सभागार में बैठे अधिकारियों से मिन्नतें की ताकि ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराए जा सके, पर जिम्मेदारों ने एक भी नहीं सुनी। वहीं क्षेत्रीय लेखपाल पुष्पेंद्र कुमार ने नाली की भूमि की पैमाइश करना तक उचित तक नहीं समझा, जिसके चलते ग्राम पंचायत में आज भी सरकार की मंशा के अनुरूप विकास नहीं कराया जा सका। कहा, कुछ माह पूर्व पंचायत के मजरार रैपालपुर में कुछ लकड़कट्टों के द्वारा हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ों को काटा पंचायत की जमीन को कब्जा कर लिया था, जो आज भी जस का तस बना हुआ है। अगर इसी तरह से जिम्मेदारों की ओर से उदासीनता बढ़ती गई तो मेरी ग्राम पंचायत विकास कार्य से अछूती रह जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।